हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डू कुक में। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, वो है सूजी का हलवा। और यह हलवा किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा समारोह के लिए भी बनाया जाता है, क्योंकि यह एक आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। नवरात्रि पर्व में सूजी का हलवा हमेशा बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं सूजी का हलवा। इससे पहले इसकी सामग्री देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम सूजी, फिर घी, चीनी, बादाम, काजू और किशमिश। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें घी डाल दिया है। तो यहाँ पर अब मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। जब घी गर्म हो जाए तब हमने सूजी डाल ली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, घी एकदम अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी डाल दी है। अब इसको भूनना है हमें, और इसे तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। ध्यान रखिए आप मोटे तले वाली ही कढ़ाई का इस्तेमाल करें। आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सूजी का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हमें इसे भूनते रहना है। अब धीरे धीरे ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल गर्म पानी। ध्यान रखिए इसमें ठंडा पानी नहीं डालना है आपको। फिर धीरे धीरे करके ही पानी डालिए। अगर आप एकदम से डालेंगे तो इसमें बुलबुले उठेंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने धीरे धीरे करके पानी डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से पकाते जाना है, और करछी से इसको अच्छे से चलाना है। हमें करछी को तब तक चलाना है जब तक सूजी पूरा पानी सोख ना ले। तो यहाँ पर मैं मिक्स करते जा रही हूँ और इसको अच्छे से पकाना है हमें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी डाल लिया है। आप चाहे तो चाशनी अलग से तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट चीनी डाल लिया है। चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि जितनी भी चीनी है वो सूजी में मिल जाए अच्छे से, और इसे भूनते रहना है हमें। यहाँ पर आंच हमने मीडियम रखा है। हमको तब तक इसे चलाते रहना है जब तक सूजी कढ़ाई के किनारों को छोड़ देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सूजी का जो हलवा है वो धीरे धीरे कढ़ाई से एकदम अलग हो गया है, यानी कि सूजी का हलवा पक चुका है। आप इसमें किशमिश डालिए और कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किशमिश डाल दिया है पहली। अब थोड़ी देर तक हम इसे फिर भूनेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और तो हमारा सूजी का हलवा बनकर एकदम रेडी हो गया है। तो आप इसे गार्निश कर सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये एकदम रेडी हो गया है, आप इसे गर्मा गर्म खाइए और इसका आनंद लीजिए। आई होप गाइस आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह मैं आपके लिए और भी सिंपल रेसिपी लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।